तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप लोग। तो आ चुके और एक न्यू ब्लॉग वीडियो लेके। तो आज हम लोग दिखाने वाला है दार्जिलिंग का सबसे रिच पर्सन का गेस्ट हाउस, जो कि 120 करोड़ का बना हुआ है। तो चलिए ये देखते बिना किसी देरी। तो ये जो हाउस का नज़ारा है, तो ये हो गया आपका बाहर का नज़ारा। तो चलिए आपको दिखाता है अंदर में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। तो चलो लेट्स गो, देखते हैं बिना किसी देरी के। तो हेलो, आ गया हम लोग घर का अंदर में। तो देखता हूँ क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। तो कोशिश करता हूँ सब आप लोग को अच्छे से दिखा पाऊँगा। तो आप लोग देख सकते हैं घर का इंटीरियर है, जो घर में इतना अच्छे से सजा हुआ है। ये जो आप लोग स्टैचू देख रहे हैं, ये बाहर से मंगाया हुआ है, क्योंकि ये घर का जो ओनर है, सबके सब स्टैचू जितना भी है सब कुछ बाहर से मंगाया हुआ है। और आप लोग देख सकते हैं वो जो टेबल है, चेयर है, सब की सब काठ का बना हुआ है। ये सूटकेस है, इस सूटकेस में जितना भी सामान है बहुत कीमती है। हर एक प्लेट का कीमत कम से कम 1.5 लाख का होगा, सब गोल्डन प्लेट है। तो ये लोग ये सब प्लेट जो जितना भी है सब गेस्ट लोग के लिए रखा हुआ है, जो उनका जो गेस्ट आता है सब इसमें खाना। और ये सब जो स्टैचू है सब बाहर से मंगाया हुआ है, क्योंकि इधर ये सब कसली सामान नहीं मिलता है। तो ये स्टैचू का कीमत करीब करीब 1.5 से 2 लाख रुपया हो जाएगा। ये जो सींग है ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हाथ से बना हुआ सींग है। गणपति पप्पा का जो फोटो है, ये घर का हर एक चीज़ काठ का बना हुआ है। तो ये 120 करोड़ का बजट का घर है। तो देख सकते हैं हम लोग को जो लिफ्ट, इधर भी लिफ्ट लगा हुआ है। ये घर का ओनर है। तो ये जो आप देख सकते हैं ये सब विदेश से मंगाया हुआ सामान है, जो कि घर का हर एक सामान जो है बहुत कीमती है, क्योंकि ये सब सामान में हाथ लगाना किसी के अलाउ नहीं है। ये सब बस शो पीस के लिए लगा हुआ है। हर एक घड़ी है, बहुत कीमती घड़ी है। और इधर में हम लोग देखते हैं क्या है, इधर आप लोग को देख सकते हैं इधर टेलीफोन, और एक है वो जो टेलीफोन है वो टेलीफोन का कीमत भी बहुत है। तो हम लोग ये सब को नहीं छुएगा, क्योंकि ये सब सामान हम लोग को छूना माना है। उठा सकते हैं बाद में, हम लोग परमिशन लेगा दिखाएगा कैसे कैसे जो बना है। और आप जो देख रहे हैं ये जो हुटर है, वो उन घर का ओनर का मम्मी पापा का फोटो है। तो अच्छा है। और अभी आप लोग देख रहे हैं ये जो हम लोग जो रात वीडियो करते बनाते बनाते रात हो गया, और हम लोग घर से निकला तो देखा दार्जिलिंग का नज़ारा कुछ इस तरह सा है। तो दार्जिलिंग का जो नज़ारा है रात को तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि रात में दार्जिलिंग का नज़ारा बहुत अच्छा है। तो अगर वीडियो देख के पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑल पे कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। तो कोशिश करता हूँ सबको वीडियो पसंद आए। जय हिंद, जय भारत, जय माता जी।